दोस्तों, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैंडसम एंड टैलेंटेड अभिनेता अक्षय कुमार को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, एक्सप्रेशन और अपने एक्शन भरे अंदाज से दर्शकों को दीवाना बना दिया था, जिसकी वजह से अभिनेता अक्षय कुमार आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और आज अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद अभिनेता अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा ट्विंकल खन्ना से शादी रचाकर आज अपनी मैरिड लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही आज ये दौलत और शोहरत के मामले में भी काफी आगे निकल चुके हैं, और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अभिनेता अक्षय कुमार की दौलत, शोहरत और ट्विंकल खन्ना से शादी करने तक के सफर के बारे में ही बताएंगे। जी हाँ, अगर आप भी जानना चाहते हैं अक्षय कुमार की दौलत, शोहरत और ट्विंकल खन्ना से शादी करने तक की सफर के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले आप अपने फेवरेट अभिनेता खिलाड़ी कुमार के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। धड़कन और ऐतराज जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले अभिनेता अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से कंप्लीट की है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार यानी कि अभिनेता अक्षय कुमार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में वेलकम, राउडी राठौर और भूल भुलैया जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें इनके किरदार और इनकी एक्टिंग के साथ साथ इनकी डायलॉग बाजी को भी दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। अभी तो आज अभिनेता अक्षय कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और अपनी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और अपनी मेहनत की वजह से आज इन्होंने 20,050 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम कर ली है। बता दें, इनकी इस प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा महंगा इनका घर है। जी हाँ, मुंबई के जुहू में इनका 80 करोड़ का आलीशान बंगला है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, चाहे फिर बात बिगेस्ट हॉल की हो या शानदार गार्डन की। जिम से लेकर थिएटर तक की फैसिलिटी के साथ साथ इन्होंने अपने इस घर को काफी ज्यादा खूबसूरती से डिजाइन करवाया है। वहीं इसकी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए इस पर कई अट्रैक्टिव चीजों का इस्तेमाल किया हुआ है। घर के अलावा अपनी लाइफस्टाइल पर भी ये काफी अच्छी खासी रकम खर्च करती हैं। शुरुआत करें इनके कपड़ों से, तो आपको बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार कई तरह के वेस्टर्न से लेकर फैशनेबल ड्रेसेस को कैरी करते हैं, और इस ड्रेस को कैरी करने के बाद ये और भी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग नजर आते हैं, जिसके चलते इनके वार्डरोब कलेक्शन में आपको फैंडी और रॉल्फ लॉरेन जैसे एक्सपेंसिव ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें इनके कपड़ों की कीमत 60 से 80 हजार रुपए से ऊपर ही होती हैं। वहीं अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए ये अपने कपड़ों की तरह काफी एक्सपेंसिव और ब्रांडेड शूज कैरी करना पसंद करते हैं, जिसके चलते इनके फुटवेयर की कीमत भी लाखों की कीमत पार कर जाती है। इनके अलावा ये अपने अदर चीजों पर भी काफी अच्छी खासी रकम खर्च करते हैं। वहीं इनकी इस आलीशान जिंदगी में चार चांद लगाने के लिए ये काफी महंगी महंगी गाड़ियों में सफर करना पसंद करते हैं, जिसके चलते ये रेंज रोवर वॉग, जीप कंपास और मर्सिडीज जीएल 350 जैसी कई महंगी महंगी गाड़ियों के मालिक है। लेकिन अगर बात करें अभिनेता अक्षय कुमार की ट्विंकल खन्ना से शादी करने तक की कहानी के बारे में, तो बता दे कि अभिनेता अक्षय कुमार ने इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म में अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के साथ काम किया था। पहले तो अभिनेता अक्षय कुमार की ट्विंकल खन्ना से दोस्ती हुई, पर इन दोनों की दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई, दोनों को पता ही नहीं चला, जिसके बाद से अभिनेता अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना को डेट करने लगे और उनके साथ रिलेशनशिप में भी रहने लगे थे। और ट्विंकल खन्ना को समझने और जानने के बाद अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी करने के लिए उनका हाथ मांगने उनके घर तक चले गए थे। और फिर अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने प्यार यानी कि अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से शादी रचाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की, और साल 2001 में इन्होंने ट्विंकल खन्ना से शादी रचा ली थी, जिसके बाद से वो उनके साथ काफी ज्यादा खुश हैं और उनके साथ काफी अच्छी लव केमिस्ट्री शेयर करने के साथ साथ काफी अच्छा बॉन्ड भी शेयर करते हैं। तो कुछ इस तरह से अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी करने तक का सफर तय किया है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अक्षय कुमार की दौलत, शोहरत और ट्विंकल खन्ना से शादी करने तक के सफर के बारे में जानकर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।